सबसे पहले आपके कुछ क्वेश्चन थे उनके बारे में आपको बता दूं। मनाली आने के लिए आपको कोविड टेस्ट नहीं कराना है और दिल्ली से सीधे बस मनाली आती है। रास्ते में आपको बस चेंज नहीं करनी पड़ेगी। और बाइक रेंट क्या है, खाने के बारे में, बस बुक करने के बारे में, इन सभी के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में और आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। हेलो एंटी फैमिली, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और ये मनाली का चौथा वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को वशिष्ठ के बारे में बता रहा हूँ, जिस जगह पर हम रह रहे हैं। ये है सुरभि होटल और ये है वशिष्ठ मार्केट। ये भी दुकानें बंद हैं और ये है चाचा वैष्णो ढाबा, यहाँ पर हम खाना खाते हैं। और ये हैं, इनका खाना एकदम बेहतरीन है और भाई वही 130 रुपये में प्लेट मिलती है। ये देखिए, ये कड़ी है और राजमा चावल और ये एक सब्जी और बाकी आप जितनी रोटी खाएं चावल। और ये है वशिष्ठ की मेन जगह, यहाँ पर देखिए शिव मंदिर है। शिव टेम्पल है और यहाँ पे फोटो लेना मना है। जूते आप यहाँ पे रख सकते हैं अपने और अंदर दर्शन करने जा सकते हैं। और इधर की साइड में ये वो स्नान के लिए है, गर्म पानी निकलता है। ये देखो, ये तो यहाँ पे गर्म पानी चलता ही रहता है नहाने का। नहाने वाला जो है वो ये है, ये देखिए। अभी अभी बंद है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, गर्म पानी आ रहा है अभी। इसमें देखिए धुआं निकल रहा है। ये भी वशिष्ठ में ही है, यहाँ गर्म पानी निकलता है तो यहाँ पर आप नहा सकते हैं। पिछली बार हम आए थे तो मैं और रवि इसमें नहाए थे। और ये है टेंपल, तो भाई ये है वशिष्ठ। और आप मॉल रोड से अगर वशिष्ठ आते हैं तो 300 रुपये में टैक्सी आप लेके आ सकते हैं, 300 रुपये मांगते हैं टैक्सी के। वैसे आप जो पैदल आ सकते हैं, 2 किलोमीटर है, हम तो पैदल ही चले जाते हैं और पैदल ही आ जाते हैं। और यहाँ पर ये टेम्पल है और इधर जो है नहाने का है जिसमें कि गर्म पानी निकलता है। और आप इस रास्ते से जाएंगे तो ऊपर एक झरना है काफ़ी बड़ा, जिस जगह हम पहले गए थे। और ये देखो, ये आंटी जी का है और जब भी आप आओ तो मंदिर के पास में मिलती हैं। 20 रुपये फ़ोटो लेते हो, 20 रुपये लेती हैं, तो कोई टेंशन नहीं है भाई। इतना दूर आपको ये मिलते हैं भाई, कितना बहुत प्यारा है। नाम क्या है इसका? ये लड़की है, रानी है ये। रानी, 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 अरे रानी, बोलो रानी भाई, रानी नाम है इसका, वही बहुत प्यारी है। तो ये आप कितने, आप कहाँ से लेके आते हो? इसका फार्म है कुल्लू में। अच्छा अच्छा, कुल्लू में। तो ये कितने रुपए का मिलते हैं आपको? 2000। 2000 के? क्या खाते हैं? सब कुछ खाता है, गाजर, गोभी, रोटी, घास, घास सब खाता है। छोटा सा होता है। वशिष्ठ में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादातर डाउन ही रहता है, मॉल रोड पर इस टाइम सही है। और वशिष्ठ में जो है शाम के टाइम जो वो माइनस में चला जाता है। और हमने सुरभि होटल लिया था, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, उससे जो है बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसलिए हम यहाँ पर वशिष्ठ में आए थे। लेकिन कोरोना की वजह से जो है अब के तो वशिष्ठ भी डाउन है। ज़्यादा लोग नहीं आए हैं यहाँ पर वशिष्ठ में ऊपर,
और नीचे मॉल रोड पे तो भीड़ है। और अगर आप मनाली में बाइक से घूमना चाहते हैं तो बाइक रेंट पे लेना चाहते हैं तो वशिष्ठ में ही ये जगह है BRM के नाम से। और मनाली में हर जगह आपको बाइक जो है वो आप रेंट पे ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको किस हिसाब से मिल सकती है। तो अब यहाँ पे देखिए काफ़ी गाड़ी है भाई, बहुत सारी है, बुलेट ही बुलेट हैं, रॉयल इनफील्ड है, हिमालयन है, स्कूटी है, KTM है। तो ये देखिए पहले ये रॉयल इनफील्ड, ये है 500 cc, 500 cc का जो रेट है वो 1500 रुपये है। और इसमें आपको अगर आप दो लोग हैं तो आपको ये हेलमेट देंगे और 1 लीटर आपको ये तेल देंगे। अगर आप ये ड्रेस लेना चाहते हैं तो ये ड्रेस हैं, इसका चार्ज जो है वो 100 रुपये है पर डे का। अगर आप इसी में ये देखिए यहाँ पर है 350 cc, ये है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 cc, इसका जो रेट है वो है 1000 रुपये, जिसमें आपको ये हेलमेट और तेल देंगे। और ये स्कूटी है, स्कूटी का जो चार्ज है, स्कूटी का चार्ज यहाँ पे 600 रुपये है। बाकी यहाँ पर और भी गाड़ी हैं, ये है हिमालयन गाड़ी, रॉयल इनफील्ड हिमालयन, और काफ़ी है भाई, बहुत है पीछे, ये देखिए हिमालयन का जो रेट है वो है 1700 रुपये, और KTM का रेट है वो भी यहाँ पर 1500 रुपये है। तो जिसमें आपको हेलमेट और तेल ये देते हैं, ड्रेस का अलग चार्ज है 100 रुपये पर डे। तो यहाँ का रेट मुझे सही लगा, मॉल रोड से बढ़िया। मॉल रोड पे हमने पूछा था तो भाई उनका तो रेट ज़्यादा था, और तेल भी जो है तेल दे रहे थे लेकिन पैसे उसको आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको तेल मिल जाता है। और ये देखिए, तो दोस्तों अब हम होटल से निकल रहे हैं, हमारा सामान रेडी। ये देखो मेरा DSLR, एक लैपटॉप है उसमें, ये पास मनी का बैग है, और ये मेरा, एक बार और आप बाहर का नज़ारा देख लो। ये है बाहर का व्यू, वाह। और अब मैं मनाली से दिल्ली जा रहा हूँ, और हमने पेटीएम से ही जो है वो बस बुक कर दी है। और पेटीएम से बस कैसे बुक करते हैं वो मैंने आपको मनाली के दिल्ली टू मनाली वाले फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में। तो चलो फिर, ठीक है भाई, बाय 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 भाई। भाई अपना बैग तो कसम से बहुत ज़्यादा फुल हो गया है, पहले से ही फुल था, अब यहाँ पर आके और ज़्यादा हो गया है। भाई मॉल रोड से देख रहे हो कितना शॉर्टकट, छोटी मोटी गली है, और ये हम निकल आए इधर, और यहाँ पे है भाई ठाकुर ढाबा, और अपना ढाबा का खाना जो है वो बहुत बढ़िया है। पास भाई कल तुमने खाना खाया था, कैसा था? बहुत टेस्टी था। कैसे दिया था ये समझ लो, 80 रुपीज में राजमा था, दाल था, आलू गोभी, कड़ी और पेट भर के रोटियां 80 रुपये में। हाँ, और चावल। भाई देख रहे हो भाई सस्ता यार, इतना महंगा नहीं है कि लोग जितना दिखाते हैं वो आपके ऊपर है कि आप कैसा खाना खा रहे हैं क्या है। ये देखो जरा अपना ढाबा, और ये इधर से सीधे मॉल रोड पर निकल जाओगे, और ये शॉर्टकट है, इधर से मॉल रोड पे निकल जाओगे। और भाई हमने खाना खा लिया है तीनों लोगों ने, और अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड, वॉल्वो बस स्टैंड जो है मॉल रोड पे, जो बस स्टैंड है वो यहाँ का है लोकल, और जो वॉल्वो बस स्टैंड है वो मॉल रोड से नीचे है, और हम वशिष्ठ से पैदल पैदल आ रहे हैं। और भाई ये वाला पूरा बैग, और भाई इनके बैग, हम तीनों लोग पैदल आ रहे हैं, और ये है मॉल रोड, और हमारी बस है 3 बजे से। तो पेटीएम से बुक की है हमने बस, और उसका जो किराया था करीब 988 रुपये है। तो बस के बारे में मैं अभी आपको बस दिखाऊंगा कि कैसी बस है, जब तक हम पहुंचते हैं वॉल्वो बस स्टैंड। भाई जाते टाइम संजू भैया मिल गए हमें, और काफ़ी लोगों ने फर्स्ट वाले पार्ट में नंबर मांगा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका नंबर दे दिया है आप लोगों को। तो वैसे भी मैं इस वाले में
आपको यहाँ पे लिंक नंबर दे दूंगा इनका, तो आप फोन कर सकते हो इन्हें स्क्रीन पर। ठीक है भाई, कोई भी आए ठीक है भाई, पैसे सही लगाना बंदे के। पैसे सही लगाएंगे भाई। तो भाई यहाँ पर वॉल्वो बस खड़ी होती है, वहाँ हम आ चुके हैं। पीछे खड़ी है लक्ष्मी हॉलीडे और शुभ यात्री हॉलीडे, और यह है सिटी लैंड ट्रेवल्स। सभी बस का नज़ारा देख लो आप, एक उधर भी है शुभ हॉलीडे। यह तनिष्क हॉलीडे शुभ यात्री, और अपनी है ये नॉर्थन। बस दिखा दूं यार मैं किसी, यह नॉर्थन। और अब हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग हैं, बैग रख रहे हैं अपना। सीट नंबर कौन सा? लोकेश भाई सीट नंबर 24 और 25। लो ये बैग, ये बैग रखो, बैग 21 23 24। ये बैग दिल्ली है ना आपकी ड्रॉप? हाँ कश्मीरी के जी। निकालना कुछ निकाल लो, बाद में कुछ नहीं निकलेगा। नहीं कुछ भी नहीं निकालना, बस सामान हमारा ये वाला बैग ऊपर रख दे। शॉल वगैरह निकाले? कुछ भी नहीं निकाल रहे। निकाल लो और निकले, बाद में नहीं निकलेगा। वैसे आप देंगे? नहीं नहीं होता भाई, रोना निकाल भाई, निकाल निकाल नहीं भाई, सबका बस का अलग अलग है, हम उधर से आए थे तो था वो। एक्चुअली ऐसा ना, वो वहाँ से भी यूज करके आते हैं, इधर से भी यूज करके। पानी का भी बोतल नहीं है आपके में? उस बंदे का यूज करके दे देंगे आपको। इसमें उड़ने के लिए और पानी की बोतल नहीं है, अभी पता चला भाई से। कोरोना की वजह से बोल रहे हैं, कोरोना की वजह से पानी की बोतल और वो जो उड़ने वाला है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई सवारी आएगी वो उड़ेगी, फिर वो वैसे ही रख देते हैं, फिर दूसरी सवारी आएगी वो उड़ेगी। तो इसलिए हम तो लेके आए थे एक कंबल, अपना भी लेके आना आप। तो भाई काफ़ी लोग जो है वो ऑनलाइन बुक नहीं कर पाते हैं या पेटीएम से बुक नहीं कर पाते हैं, तो ये नॉर्थन बस वाले जो हैं आप इनसे कॉल करके जो है अपनी बस जो बुक कर सकते हैं। भैया नंबर क्या आपका? 9129641101। तो ये नंबर मैं आपको स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, तो आप इनको फ़ोन करके जो है अपनी गाड़ी जो वो बुक कर सकते हैं। तो पैसे जो है आपको कैसे लेंगे, पेटीएम लेंगे कैसे लेंगे? हाँ पेटीएम से हो जाएगा, या जैसे भी बुकिंग करवाओगे, थोड़ा एडवांस हो जाए थोड़ा बाद में भी हो सकता है, कोई ऐसा अच्छा नहीं है। तो वो आप इनसे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। किसी पर बैठ जाओ, वो बता देंगे तुम्हें। ये नहीं है तुम्हारी, तो इस टाइम हम आ चुके हैं दिल्ली में, और इस टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं अपने घर। और यहाँ पर लोकेश भाई जा रहे हैं अब सीधे भोपाल, तो इनकी गाड़ी है यहाँ से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 11 बजे। वैसे 8:30 बजे की थी, इनने कहा कि लेट पहुँचाएगी बस, हमने कहा नहीं पहुँचाएगी, तो बस ने तो जल्दी पहुँचा दिया भाई, तो अब वेट करेंगे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। और भाई ये थी पूरी मनाली की सीरीज, जो कि आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी, बुरी भी लगी होगी, किसी को कुछ भी नहीं लगी होगी, तो अब क्या कर सकते हैं भाई। आप लोगों के लिए इतना किया, हम भी घूमे और आपने भी मज़े लिए होंगे यार थोड़े दो। तो चलते हैं फिर अब हम अपने घर की ओर। बाय 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 बाय।